हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बात करने जा रहे हैं हम फिर से अपनी पैशन हैशटैग के बारे में। ये हमारी चल चुकी है लगभग 954 किलोमीटर। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था, आज बनाने का टाइम जरूर मिला है। तो वीडियो कुछ इस तरह से है, हमारी 954 किलोमीटर पैशन हैशटैग चल चुकी है। और भाई मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं अगर मेरी बात आपको विश्वास है, अगर आप मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं पहले से, मैंने इसकी बहुत बड़ाइयाँ भी करी है, बुराइयाँ भी करी है कि इसके गियर फंसते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, जितने जितने ये गाड़ी भागती रह रही है ना, जितनी जितनी गाड़ी है ये रोड चल रही है, जैसे रोड मतलब चल रही है ना, इसकी जो दिक्कतें हैं ना वो दूर होते जा रही है। गियर इसके पहले इतने फंसते थे लेकिन अब नहीं फंस रहे हैं। बहुत दिन से मैंने देख लिया, जिस दिन कम से कम वीडियो डाले हुए मेरे को 10-12 दिन हो गए हैं, और उस दिन से लेकर आज तक गियर फंसना मतलब या मैं मेरे को अब वो पड़ गई है आदत, या फिर ये भूल गई है कि मेरे को भी गियर फंसाने हैं नहीं कहीं। लुक देख लीजिए, नंबर वन की लुक है। अगर कोई लेना चाहे तो भाई इसको बिंदास आँख बंद करके ले सकता है। सीट इतनी बड़ी है इसकी, कंफर्ट है। एल में मैं, मेरे पापा, मेरी माते तीन के तीन बैठ के गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। हाँ थोड़ा थोड़ा वो मतलब हो जाता है, लेकिन तीन आराम से मतलब कंफर्ट थोड़ा बहुत मतलब बैठ गए थे, आराम से बैठ गए थे। लेकिन दो लोग के लिए तो बहुत अच्छी सीट है ये, आराम से एक बंदा आपको यहाँ बैठ सकता है, एक यहाँ, और बीच बीच में आपको छोटा मोटा बैग आ सकता है। तो इस ये तरह कह सकता हूँ। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपको विश्वास हो ना हो तो इस बाइक का जो मेरे को माइलेज मिल रहा है आप यकीन नहीं करेंगे, 60+ माइलेज मिल रहा है मेरे को अब फर्स्ट सर्विस होने के बाद और यहाँ तक मेरे को चलाने के बाद। मैंने इस महीने, इसमें पिछले महीने का थोड़ा तेल था और ये महीने मैंने 200 का तेल भरा है, लेकिन इस समय भी मेरी 0.3 है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना माइलेज ये मेरे को दे रही होगी मेरी गाड़ी पैशन हैशटैग। तो इस तरीके से ये अब इस समय तक इसका मेरे को दो महीने इसको लेने वाले पूरे हो चुके हैं, अभी ये 30 महीना चलने वाला है, और 3 महीनों में इसने मेरे को बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। ये बाइक से मैं सीखा हूँ, अगर इस बाइक में कोई थोड़ी भी दिक्कत होती तो मैं इससे सीख भी नहीं पाता था, क्योंकि मैंने बाइक अभी चलाई ही नहीं है, मतलब चलाई है, इतनी चलाई, हाथ बिल्कुल साफ नहीं था इस बाइक से हाथ साफ करा के। एक ही दिक्कत लगती थी मुझे कि क्या बोलते हैं, ये शुरू शुरू में क्या करती थी, जैसे हमने मॉर्निंग ये अपना सेल्फ ले लिया तो ना बाइक का जो इंजन है वो खुद ही रेस मतलब खुद ही लेगा, आप रेस दो ना तो वो खुद ही ले लेता था। तो वो दिक्कत आजकल दूर हो गई है जैसे जैसे बाइकिंग चलती जा रही है। दूसरी दिक्कत मैं बता रहा था आपको कि गियर फंसते थे वो गंदे वाले, आजकल बिल्कुल नहीं है। फंसते हैं तो बहुत हल्के से फंसते हैं, वरना बिल्कुल नहीं फंसते, लेकिन 10-12 दिन से ये बिल्कुल नहीं फंसे। बहुत मक्खन चल रही गाड़ी, पता नहीं चलता गियर मैंने कब लगा दिया। तो इस तरीके से यह मेरा वीडियो है आज का, बहुत दिन हो गए थे मैंने, और बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई आपको इस बाइक के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, आपकी ये बाइक नहीं है करके। मेरी ये मेरी ही बाइक है, इसको मैंने अभी फैब में लिया था 22 तारीख को, और क्या बोलते हैं, मैंने इसको ली थी 93,000 ऑन कैश। तो ये मेरी ही गाड़ी है, किसी और की नहीं है भाई, मैं मांग के नहीं चला रहा हूँ या मांग के वीडियो नहीं बना रहा हूँ। रोज़ का मैं ये बस एक ही प्रॉब्लम है मेरे पे इस समय नहीं है GoPro, अगर आ जाएगा तो आपको मोटो व्लॉगिंग दिखने लगेगी पैशन हैशटैग से। तो वीडियो कैसा लगा गाइस ज़रूर बताएं, आप सबको बहुत प्यार, आप सब मेरे को बहुत प्यार दे दीजिए। अगर इसकी 60+ माइलेज मेरी है, आप लोग को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेंसर में बता दीजिए, मैं ज़रूर 1 लीटर पेट्रोल भराऊंगा और वो वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, या किसी दोस्त को बैठाना पड़े तो वो कर लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा गाइस ज़रूर बताएं, और कमेंट करें और लाइक करें, और भाई को अपने सपोर्ट करें प्लीज़। ये बाइक के लिए और कोई ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग का चैनल फुलारा RT सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।